मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम की ओर से ग्राम सक्री में लगभग 197 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का ई लोकार्पण किया है। वहीं सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा पहला राज्य होगा जो शहर में उत्सर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। 500 टन रोज यहाँ पर कचरा लाया जाएगा जिसमें लगभग 25 से 30 टन जैविक खाद बनेगी, तो वहीं RDF 200 टन बनेगा। महापौर एजाज ढेबर से खास बातचीत की है सहयोगी सत्या राजपूत ने। राजधानी वासियों को और नगर निगम को सीएम ने बड़े सौगात दिए हैं। इसमें आज कचरा प्रोसेसिंग यूनिट का जो सौगात दी गई है, इससे कहीं ना कहीं जो नगर निगम को नंबर मिलने वाले होते थे, जो सफाई में जो हमेशा 400 अंक कट जाते थे, ये कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलेगा। मशीन आज लोकार्पण हुआ है, कितने क्षेत्र में बना है, क्या है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर मौजूद है, उनसे जानते हैं आज यहाँ पे लोकार्पण किए हैं, कितने क्षेत्र में बनाई है और कितने की लागत में बनी है। देखिए, ये करीब 70 एकड़ की है, इसमें बना हुआ है और 250 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी हुई है। और यह भी हम बोल सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का तीसरा नंबर का प्लांट जो छत्तीसगढ़ को सौगात मिली है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से। और जो सबसे बड़ा जिसको चिंता मेरे को और रायपुर के हमारे सभापति जी और सब लोगों को जी चिंता रहती थी, जो हमारे 400 अंक सीधे के सीधे कट जाते थे और जिसमें हम लोग गीला कचरा सूखा कचरा बराबर उठाते थे, उसके बाद यहाँ पर लाते थे, मगर उसके बाद भी हमारा जो रायपुर की जो रेंजिंग रहती थी 4800-4900 नंबर रहती थी, तो वो बहुत तकलीफ होती थी। अब ये जो चीज है, हम लोग सीधा नंबर वन, मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्लांट के चालू होने से हम रायपुर नंबर वन आने सब कोई नहीं रोक सकता। या सभापति भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं आप भी प्रयास करते रहे अपने कार्यकाल के दौरान जब आप महापौर थे, अब आज यहाँ लोकार्पण कार्य में आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे इसको? आज पूरी रायपुर शहर की जनता खुश है कि महापौर भाई एजाज ढेबर जी के नेतृत्व में आज इस प्लांट का लोकार्पण जो हुआ है, इससे न केवल रायपुर को फायदा होगा बल्कि आसपास के नगर निगम हैं, जैसे बिरगांव नगर निगम है, आसपास की जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, नया राजधानी का कचरा है, ये सारे जो कचरे हैं जिसमें लगभग 900 से 1000 टन कचरा इसकी कैपेसिटी है। रही बात यहाँ बदबू की, तो यहाँ जो RDF बनने वाला है यह मात्र 15 से 20% केवल मैन्योर खाद यहाँ बनेगा, तो जितने कचरा है उसका निष्पादन सेम डे हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आसपास जो सीमेंट प्लांट है लगभग 15 से 20, उनमें लाइन लगे रहेगी, यहाँ की RDF की डिमांड इतनी है। सभापति और महापौर को सुना, जिनका साफ कहना है कि इसका तो बृहद फायदा मिलने वाला है और जो शहर के निकलने वाले कचरे हैं उसका कचरा का यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे स्वरूप में उसका इस्तेमाल होगा। अब देखना ही होगा इस दौर में कितना दम है, प्लांट खड़ा हो गया, आज उद्घाटन भी हो गया, अब आगे पता चलेगा जो दावे किए जा रहे हैं वो कितना सही है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चलिए नजर